डॉक्यूमेंट्री में उस बच्चे का पोस्टर जिस पे उसने लिखा था वेयर इज ह्यूमैनिटी, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है, बहुत बड़ा अलार्मिंग है कि ह्यूमैनिटी कहां है। अल्लाह जल्ला शानु कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम इन माओ बहनों की बेटियों की आवाजों पर तुम्हारा खून भी नहीं फूल उठता। अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार फरमा रहे हैं कि जब किसी बस्ती में किसी कौम पे कोई ज्यादती हो, कोई फर्द किसी पे ज्यादती कर रहा हो, तो मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि उसकी हमदर्दी करे, उसके दिल जोई करे, उसकी मदद करे। ये ईमान का हिस्सा है हमारा कि कहीं जुल्म हो रहा हो तो उसको रोका जाए, हाथ से रोका, सबसे पहले हाथ से रोका जाए। अभी हमारे कितने स्टूडेंट्स ने बड़ी पहले स्पीच की कि आजादी जो है ये पैर की नोक से नहीं ली जाती, आजादी जो है वो तलवार की नोक से ली जाती है। जब मुसलमान तलवार की नोक पे अपनी आजादी के लिए जस्तजू करता था, इस मुसलमान की आन थी, शान थी, ठान थी, इज्जत थी। जब से मुसलमान ने इस नारे को, आजादी के नारे को, जहाद फी सबीलिल्लाह के नारे को पीछे किया है, तो आज मुसलमान हम खुद देखें पूरी कौम, पूरी उम्मत में उम्मत मुसलमान किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह आयात फरमाया, नमाज का हुक्म कितनी दफा आया और जिहाद का हुक्म कितनी बार बार आया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके सामने आयत तिलावत करता हूँ, छोटी सी आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह पाक फरमा रहे कि जो लोग जिहाद करते हैं, अल्लाह के राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह जल्ला शानु उनके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार बार फरमा रहे हैं, अल मुस्लिमो कल जसद, अल मुस्लिमो फिल जसद, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। और यह है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा बदन महसूस करता है। अजीज तलबा, हमें मालूम है कि हमारे बदन में, हमारी उंगली में छोटी सी एक तिनका फंस जाए, हमारी आंख में तिनका आ जाए, मट्टी का जरा आ जाए, हमारे दांत में छोटा जरा फंस जाए, जब तक निकल ना जाए, हमें दर्द की वजह से चैन नहीं आता, तो एक हमारे बदन के टुकड़े, हमारे माएं, हमारी बहनें, बेटियां पुकार पुकार कि हमें कितने 73 ईयर से आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान के साथ अटैच होने के लिए कितनी बड़ी उनकी हमारे लिए काबिलियत है। और हम बहरहाल जो कुछ नहीं कर रहे उसमें हमें फिक्रमंदी होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इस हवाले से अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, हम लोग जो बैठे हैं या जिन्होंने इंतजाम किया, ये भी अल्लाह ताला से हमारे ऊपर खास रहमत हुई। फरमाया कि हम जिहाद नहीं कर सकते, आज़ादी के लिए शरीक नहीं हो सकते, तो कम अज़ कम ऐसे प्रोग्राम तो मैनेज कर सकते हैं, तो जिस प्रोग्राम में बैठना उनको भी सवाब है। और इन मुसलमानों के साथ दिलजोई करना, दिल से बुरा हिंदुओं को दिल से बुरा ख्याल करना कि उनकी हुकूमत क्या मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, ये ईमान का आखिरी से आखिरी दर्जा है। तो हमें कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारे दिल में अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, ना सिर्फ कश्मीर, क्योंकि आज का दिन हमारा 4 फरवरी हम कश्मीर सेलिब्रेट करते हैं, हमारा जो है कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने उम्मत मुसलमान जिस हाल में आज कुर्बानियां कर रही है और जितने कुफार मुसलमानों पे चर दौड़े हैं, और ये इसलिए चर दौड़े हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा गमगीन होके अपने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया की कौमें मुसलमानों पे ऐसे दौड़ चढ़ दौड़ेंगी जैसे किसी मुर्दार पे गिद्ध और ऐसे जानवर चीरने फाड़ने के लिए आ जाते हैं, तो मुसलमानों को ऐसे तहलकाए करेंगे। सहाबा करम ने बड़ी हैरानी से फरमाया, या रसूलल्लाह, क्या बात है, उस वक्त मुसलमान नहीं होंगे, क्या तादाद में कम होंगे, या मुसलमानों का ईमान कहां जा चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मुसलमान बहुत सारे होंगे लेकिन उनके अंदर, उनके दिल से उस दर्द निकल जाएगा जो किसी भाई के लिए दर्द होता है, जो किसी भाई के लिए गम होता है, वो उनके दिल से गम और ईमान निकल जाएगा। आज यही वजह है कि पूरे
फलस्तीन देखें, शाम देखें, सैरे देखें, लिबनान, जितने जितने ममालिक में मुसलमानों पे, बहनों बेटियों पे, माओं पे, बड़ों पे कितना जुल्म हो रहा है, तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम दिल से, ईमान का सबसे कम दर्जा है कि दिल से उनको बुरा ख्याल करें। अल्लाह की कुरान पाक में भी बार बार फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुसलमानों की मदद के लिए क्यों नहीं दौड़ते, हम उसकी फिक्र भी करें। अल्लाह के नबी ने हदीस में कितनी बार बार फरमाया, सहाबा इकराम जब तक जिहाद के लिए लड़ा करते थे तो मुसलमानों की इज्जत होती थी, मुसलमानों से कौमें डरा करती थी, मुसलमान जाते थे तो वो डर जाते थे। रोमियों के साथ लड़ाई हुई, लाखों रोमियों का लश्कर था और मुसलमान सिर्फ 60 तादाद में, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे इन लाखों के मजमे में अकेला काफी हूं, मैं वो कैसे। फरमाया अल्लाह के नबी का इरशाद मफहूम है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा की मिसाल है, जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा की मिसाल है। ये कुफार जितने भी हैं ये सारे गैर मुस्लिम हैं, ये अल्लाह का जिक्र नहीं करते, ये मुर्दा हैं, हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम जिंदा हैं, तो मैं अकेला काफी हूँ। तो फिर उनका अच्छा नहीं लगता, आप 60 मुसलमानों, वहां 60 लाख है, आप 60 को लेके जाए, और अल्लाह ताला ने ऐसी उन पर हैबत डाली कि वो सारे लश्कर पसपा हो गया। एक नहीं कई मुसलमानों के कई जो है वाकियात ऐसे हैं कि मुसलमानों ने जब भी फौजें अपने दरिया में डाली, हमें कितने दश्त और दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए कोड़े हमने, कितने ऐसे वाकियात हैं कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद रही है। अब भी मुसलमानों से अल्लाह की मदद है, बहरहाल कश्मीरी मुसलमान इतने सालों से अपने जनरेशन की कुर्बानी दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है इतना तो करें, अपने घरों में जाके या अपने जो इधर हॉस्टल में आज का दिन दुआएं मांगें, नवाफिल पढ़कर दुआएं मांगें, या अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमा। हो सकता है कि आपकी दुआएं मांगने पे किसी बच्चे के रोने पे हमें रोना तो आए ना, या अल्लाह घर में किसी बहन को तकलीफ हो, भाई को तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो, हमें गम आ जाता है, रोना आ जाता है, तो ये हमारे भाई बच्चे को तकलीफें हो रही हैं। उन कितने सालों से लॉकडाउन है, आज़ादी से स्कूल नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, फौत होने वालों को दफना नहीं सकते, कितने मसाइल चल रहे हैं। एक दिन हम घर से ना निकले हमें कितना मुश्किल आती है, कितने सालों से इंडिया ने लॉकडाउन किया हुआ है, स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार सारे मतलब हॉस्पिटलाइजेशन बंद है, उनके लिए हर चीज़ बंद है। तो हम मुसलमान, हमें चाहिए कि हम उनके दर्द को दर्द महसूस करें, और इंडियन सॉन्ग्स हैं स्पेशली, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली बेटा इनको ना सुने ना गाएं, अल्लाह ने भी वैसे मना किया हुआ है, इंडियन फिल्में हैं, इनको भी नज़दीक ना जाएं बेटा, ठीक है। मुसलमानों के पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो एक शेर दिल के दर्द गिराए से मैं भी एक कथा है छोटा सा वो पढ़ देता हूँ, जो दबा सको तो सदा दबाओ, ये वैसे नाम जो हिंदुओं के नाम है, जो दबा सको तो सदा दबाओ, जो बुझा सको तो दिया बुझाओ, सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा तो साहब होगी, इंशाअल्लाह। आजादी आजादी आजादी।